हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चैप्टर के पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के पार्ट वन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट टू को समझने के लिए आप पार्ट वन को जरूर देखेंगे। और इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल काम करना है। आपके स्क्रीन पर एक आई बटन आएगा जिसको आपको क्लिक करना है, और उसको क्लिक करने के बाद आप गुड्स एंड सर्विसेज चैप्टर के पार्ट वन को देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पार्ट टू। बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि मेनली आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको तीन टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे। अगर आप उन तीनों टाइप के प्रॉब्लम पे कमांड बना लेते हैं तो मेरी बातों का विश्वास करिए, आप बोर्ड में जो भी क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आएगा उसको आप सफलतापूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन होता है बिल पेमेंट पर, जिसको हम लोगों को आज डिस्कस करना है। हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स जर्सी। आज के क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के एक चैप्टर को, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों, इस पार्ट टू को समझने के लिए आप इसके पार्ट वन को जरूर देखें, जिसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल काम करना है। आपके स्क्रीन पे जो आई बटन है उसको क्लिक करना है और आप इसके पार्ट वन को देख सकते हैं। और इस वीडियो को भी आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पार्ट टू। बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्लास टेंथ के आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में है। और एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, वो बेसिकली केवल तीन तरह का होता है। अगर आप ये मालूम है कि वो कौन तीन तरह के क्वेश्चन हैं, वो कौन से तीन टाइप के क्वेश्चन हैं जो आते हैं, तो आप सफलतापूर्वक अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो बच्चों, वो तीनों टाइप हैं क्या? तो पहला टाइप बच्चों, जिसको हम लोग को आज डिस्कस करना है, वो है बिल पेमेंट पे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है इंट्रा स्टेट पे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों आपस में मिक्स होंगे। बच्चों, तो हम लोग अब करेंगे पार्ट टू में टाइप वन के क्वेश्चन को, जो कि आपके बिल पेमेंट पर है। तो आप बच्चों इस पे एक क्वेश्चन देखिए जो कि ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि बिल पेमेंट पर है। और वो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हम इसको पढ़ दे रहे हैं एक बार। मिस्टर बेदी विजिट्स एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स, मेडिसिंस कास्टिंग रुपीज 1000, जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। सेकेंड आर्टिकल है अ पेयर ऑफ शूज कास्टिंग रुपीज 3000, जीएसटी एट द रेट ऑफ 20%। तीसरा है अ लैपटॉप बैग कास्टिंग रुपीज 1000,
विथ डिस्काउंट ऑफ 30% जीएसटी एट द रेट ऑफ 20%। तो बच्चों दो पार्ट है, पहला पार्ट है कि इसके टोटल जीएसटी को कैलकुलेट करना है और दूसरा द टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी, वही जो हम लोग बिल पेमेंट की बात कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि अगर बिल पेमेंट का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन क्लियर कट कह रहा है कि ये पूरा जो परचेजिंग हो रहा है उसमें टोटल कितना जीएसटी है। तो यानी हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे मेडिसिंस पर भी, हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे पेयर ऑफ सूच पे भी, हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे लैपटॉप बैग पे भी। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन। तो फॉर मेडिसिंस आप देखिए बच्चों, जो मेडिसिन है उसकी कास्ट है ₹1000, कास्ट है इक्वल टू ₹1000 और इस कास्ट पे बच्चों जीएसटी है एट द रेट ऑफ 5%। आप देखिए आपके सामने लिखा है मेडिसिन कास्टिंग ₹1000 जीएसटी एट द। तो चलिए देखा जीएसटी कैलकुलेट करते हैं कि भैया हमारा मेडिसिन पे कितना जीएसटी आ रहा है। तो जीएसटी होगा बच्चों 5% ऑफ रुपीज कितना बच्चों 1000। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 5% मतलब हुआ 5/100 ऑफ मतलब इनटू और ये हो गया 1000। तो ये दो जीरो ये तीन जीरो बच्चों आप कैंसिल कर सकते हैं और आपका आएगा ₹50। यानी आपने ₹50 का जीएसटी दिया है मेडिसिन के परचेज पे। अब एक और आर्टिकल है आपके पास अपेयर ऑफ सूज, इसमें भी जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर अपेयर ऑफ सूज, फॉर ए पेयर ऑफ सूज, आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो पेयर ऑफ सूज है उसकी कास्टिंग है ₹3000 यानी इसका कास्ट है बच्चों इक्वल टू ₹3000 और इस पेयर ऑफ सूज पे कास्ट जीएसटी का रेट है बच्चों 20%। तो जीएसटी है आपका एट द रेट ऑफ 20%। तो चलिए जीएसटी कैलकुलेट कर लेते हैं अपेयर ऑफ सूज पर। तो ये हो जाएगा 20% जो आपकी कास्ट है यानी जो हो गया 3000। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20% मतलब बच्चों 20/100 आप मतलब इनटू 3000, दो जीरो कैंसिल किया हम लोगों ने तो हम लोगों का आया ₹600। यानी हम लोगों ने पेयर ऑफ सूज के परचेज पर 600 का जीएसटी दिया। तो बच्चों एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए या हम लोग कोशिश करके यहां जगह बना के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं लैपटॉप बैग के बारे में भी। तो चलिए यहां पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं जिससे आपको पता चले कि लैपटॉप का कैलकुलेशन कहां से हो रहा है। तो देखिएगा बच्चों, यहां लिखेंगे हम लोग फॉर लैपटॉप बैग, फॉर लैपटॉप बैग। आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि लैपटॉप बैग के केस में आप ध्यान से देखिए आपका डिस्काउंट भी है 30%। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप बैग के कास्ट को निकालेंगे, डिस्काउंट दिया है ना, तो डिस्काउंट 30% का है और ₹1000 आपका कास्टिंग है जिस पर डिस्काउंट है। तो आप बताइए अगर 30% का डिस्काउंट है तो इसका मतलब कास्टिंग जो होगा लैपटॉप बैग का वो 70% ऑफ ₹1000 होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए डिस्काउंट ऑफ 30% है तो यानी जो लैपटॉप बैग की कास्टिंग आएगी वो 70% ऑफ 1000 होगी ड्यू टू 30% डिस्काउंट। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं कास्ट पहले वो होगा 70% ऑफ
1000 रुपीज, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 70% मतलब बच्चों 70/100, आप मतलब इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1000, 2020 को आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा रुपीज 700। यानी बच्चों जो लैपटॉप बैग की कास्ट आई आफ्टर डिस्काउंट वो है 700। अब इस 700 पे आपको लैपटॉप बैग के लिए जीएसटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस 700 के लिए लैपटॉप बैग का जीएसटी कैलकुलेट करना, यानी जिस प्राइस पर आप किसी आर्टिकल को खरीदते हैं उसी पे आपको जीएसटी देना होता है। तो चलिए, और जीएसटी क्या है बच्चों इस लैपटॉप बैग पे, जीएसटी ध्यान से देखिए, ये भी एट द रेट ऑफ 20% है, एट द रेट ऑफ 20% है। तो जीएसटी बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं लैपटॉप बैग के लिए, ये आएगा 20% ऑफ किसका, 700 का, 20% मतलब बच्चों 20/100, आप मतलब इनटू 700, दो जीरो कैंसिल करेंगे हम लोग बच्चों तो ये आएगा रुपीज 140। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कैसे होगा। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास 3 आर्टिकल था, उस पर हम लोगों ने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया। आपके सामने देखिए पूरा प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर लिखा है, कैसे बढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो अब पहला पार्ट हमारा है कैलकुलेट टोटल जीएसटी। तो टोटल जीएसटी क्या होगा भाई, टोटल जीएसटी का मतलब हुआ आप जितना जीएसटी कैलकुलेट किए हैं मेडिसिन के लिए किए हैं, अपेयर ऑफ सूच के लिए किए हैं, लैपटॉप बैग के लिए, सबको आप प्लस कर दें, बहुत सिंपल काम, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, देयरफॉर टोटल जीएसटी बच्चों कितना आएगा, देयरफॉर टोटल जीएसटी ध्यान से देखिएगा बच्चों, मेडिसिन पे जीएसटी हम लोगों का है रुपीज 50 का, ध्यान से देखिए, तो इस 50 को लाना है, प्लस जो जीएसटी हम लोगों ने पेयर ऑफ सूच पे बच्चों कैलकुलेट किया है वो रुपीज 600 का है, तो हमको इसको भी ऐड करना है। और जीएसटी जो लैपटॉप बैग पे आया है बच्चों वो 140 का है, इसको भी हम लोगों को ऐड करना है। तो आप ध्यान से देखिए, आप जब ऐड करेंगे इस चीज को तो आपका आएगा रुपीज 790। आप ऐड कर लीजिए 600 + 140, 6, 740 और 50, 790। तो ये बच्चों टोटल जीएसटी था जो कि फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कितना पेड हुआ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट कि जो बिल पेमेंट बनेगा वो कितने का होगा। अब हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को करते हैं जो कि लिखा है टोटल बिल पेमेंट आप इंक्लूडिंग जीएसटी। तो भाई बिल पेमेंट जब आप करेंगे, आप मार्केट में भी जाते हैं तो कैसे होता है, सारे आर्टिकल का टोटल कास्ट और टोटल जीएसटी। तो आप ध्यान से देखिए सेकेंड पार्ट का आंसर कैसे लिखेंगे, सेकेंड पार्ट का आंसर बच्चों टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी, ये आपका इक्वल होगा बच्चों टोटल कास्ट प्लस टोटल जीएसटी। टोटल कास्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मेडिसिन का कास्ट है रुपीज 1000, तो 1000 प्लस पेयर ऑफ सूज का कास्टिंग था रुपीज 3000, तो 3000 और प्लस बच्चों जो लैपटॉप बैग था वो विथ डिस्काउंट आया हुआ था, तो इसकी कास्टिंग याद करिए पहले पार्ट में उन्होंने कैलकुलेट किया था 700 था, तो प्लस 700। तो ये आपका बच्चों टोटल कास्ट हुआ, और प्लस टोटल जीएसटी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना आया है बच्चों 790। तो चलिए इन सबको ऐड कर लेते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे टोटल कास्ट बच्चों तो ये टोटल कास्ट आपका आएगा 4700।
अरे भाई 3000 प्लस 1000, 4000 प्लस 700, 4700 प्लस 790। अब इसको फाइनली जब आप ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आएगा रुपीज 4700 में 790 ऐड करेंगे तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपका आएगा रुपीज 5490। तो ये आपका आंसर है, यानी जब मिस्टर बेदी जाएंगे बिल पेमेंट करने के लिए तो उनको 5490 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो पहले टाइप का क्वेश्चन है, जो कि बिल पेमेंट पर है, उसमें हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर डिस्काउंट है तो कास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हर कास्ट पे जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको टाइप वन के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको टाइप वन के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर से जरूर उस प्रॉब्लम को मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर या आपका यूट्यूब जो चैनल है उस पर शेयर करें। हम भरसक कोशिश करेंगे कि समय से आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। तो बच्चों, अंत में हम आपसे फिर कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ईमानदारी से मेहनत करिएगा बच्चों, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि हम लोगों के मैथ जर्सी का यही थीम लाइन है, अपना सूरज तो चमकेगा, अपना सूरज तो चमकेगा। धन्यवाद।